नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महापौर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर रीवा के लिए, बड़ी खबर है अजय मिश्रा बाबा, नगर निगम में कई बार के पार्षद कांग्रेस नेता अजय मिश्रा बाबा को महापौर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। देर शाम ये लिस्ट जारी की गई, तमाम चर्चाएं थी और पहले भी कमलनाथ के सर्वे और तमाम AICC के सर्वे की बात हो रही थी और लगातार ये चर्चा थी कि निगम में काम करने वाले लोगों को कांग्रेस प्राथमिकता दे सकती है। बड़ी खबर है इस वक्त की, अजय मिश्रा बाबा को रीवा नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने महापौर का प्रत्याशी बनाया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर निगम रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अब देखना होगा कि बीजेपी किसे कैंडिडेट बनाती है, क्योंकि ये सूची जिस तरह से जारी हुई इसमें अन्य जिलों के भी नाम हैं। मुरैना में श्रीमती शारदा सोलंकी, ग्वालियर में शोभा सिकरवार, सागर में निधि जैन, भोपाल में विभा पटेल, ये नाम चर्चा में थे। इंदौर में संजय शुक्ला को पहले ही घोषित कर दिया गया था। कटनी में श्रेया खंडेलवाल, जबलपुर में जगत बहादुर सिंह अन्नू, सिंगरौली में अरविंद सिंह चंदेल के नाम पर मुहर लगी है, बुरहानपुर में शहनाज अंसारी, छिंदवाड़ा में विक्रम अहाके और रीवा में अजय मिश्रा बाबा, सतना में सिद्धार्थ कुशवाहा, ये नाम चर्चा में था। विधायक हैं, 2023 के पहले एक तरह से अपने ही विधायक को टटोलने की कोशिश है कि क्या जमीन है। सतना नगर निगम से प्रत्याशी बनाया गया है। देवास में कविता रमेश व्यास, खंडवा में आशा मिश्रा, उज्जैन में महेश परमार, ये सूची लगभग आ चुकी। जैसे ही सूची पर बात चल रही थी तमाम पैनल में नाम थे, लेकिन ये साफ हो गया था कि कांग्रेस जल्द फैसला करेगी। समय इस बार कांग्रेस नहीं गंवाना चाह रही थी। नामांकन के पहले ही, जहां नामांकन होना है दो दिन बाद, लेकिन आज 9 तारीख को ही देर शाम ये सूची जारी कर दी गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने सूची जारी कर दी। अब रीवा में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बीजेपी किसे अपना कैंडिडेट बनाती है। अभी दो दिन पहले मैंने अजय मिश्रा बाबा का इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने अपने एजेंडे बताए थे और बताया था कि वो किन मुद्दों को लेकर, हालांकि वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। रीवा नगर निगम में लंबे समय से पार्षद रहे और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई, इसीलिए वो स्ट्रांग कैंडिडेट थे और अब ये फैसला ले लिया कांग्रेस ने और सीधे तौर पे तमाम सूची जारी कर दी। रीवा से अजय मिश्रा बाबा को प्रत्याशी बनाया है, महापौर का प्रत्याशी बनाया है। लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। अब देखना है कि बीजेपी किसे मैदान में उतारती है। अजय मिश्रा बाबा एग्रेसिव लीडर हैं और अपने भाषणों में वो एग्रेशन दिखता है, इसलिए अब बीजेपी के सामने कहीं ना कहीं तमाम पहलुओं को देखकर प्रत्याशी उतारने की कोशिश होगी। फिलहाल जिस तरह से ये पूरी चीज़ें हुई, लंबे समय से चर्चा चल रही थी, बार बार सर्वे का जिक्र हो रहा था, कमलनाथ के सर्वे की बात हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि जल्द ही ये फैसला ले लिया जाएगा। फैसला जल्दी लेने के पीछे का जो तर्क था वो ये था कि अब देरी करने पर पार्टी को नुकसान हो सकता है। हालांकि दावेदार शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी, लेकिन अजय मिश्रा बाबा को पार्टी ने टिकट दिया। हम फोन लाइन पे सीधे जोड़ रहे हैं, टिकट पार्टी ने दे दिया है, बड़ी चुनौतियां क्या मानते हैं? हेलो, पार्टी ने आपको प्रत्याशी घोषित कर दिया है रीवा नगर निगम के लिए, बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? रीवा आपको सुन रहा है। मैं अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है और एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं पूरी तन्मयता के साथ पार्टी के मान को बढ़ाने के लिए मैं हर तरह से चुनाव लड़ूंगा और हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ लोग, हमारे जो साथी लोग हैं, पार्षद साथी हैं, हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, सब लोग मिल के इस चुनाव को जीतेंगे और इस बार 45 वार्डों में और कांग्रेस का महापौर रीवा बनेगा और परचम फहराएंगे। हमेशा आप अपनी एग्रेसिव लीडरशिप में रहे हैं, मतलब एग्रेसिव होकर राजनीति करी है, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के दायित्व में रहे, तब भी ये चुनाव में एग्रेशन देखने को मिलेगा? चुनाव में हर तरह से हम चुनाव लड़ेंगे। जो भी भ्रष्टाचार हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसको हम पब्लिक के बीच में लाएंगे, जनता के बीच में लाएंगे। और मैं एक जनता का सेवक था हमेशा और सेवक की भांति मैं रीवा की जनता के साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा।
चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। अब ये जिम्मेदारी को किस तरह से आगे निभाते हैं, चुनाव कितना दिलचस्प होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अब शायद बीजेपी भी अपनी रणनीति बदले। आपको क्या लगता है सामने कौन प्रत्याशी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में आपके सामने? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी होगा, एक एक नेता प्रत्याशी होगा। हमारे जो जो विधायक चुनाव लड़े थे, जो हमारे सांसद के चुनाव लड़े थे, जो हमारे महापौर के चुनाव लड़े थे, जो हमारे पार्षद साथी थे, ये सब कार्यकर्ता सब पार्टी का चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का पूरा चुनाव लड़ेंगे। चुनौती कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की चुनौती को हम सरों आंखों लेते हैं और वो सारी चुनौतियों को हम लोग पूरा निभाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे अजय मिश्रा बाबा, जो शायद भोपाल में है लेकिन उन्होंने बताया कि एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने जा रहा है। परिस्थितियां क्या होंगी, लड़ाई कितनी दिलचस्प होगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो फिलहाल रीवा कांग्रेस से, रीवा महापौर सीट के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अजय मिश्रा बाबा को रीवा महापौर का प्रत्याशी बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।